तो ही गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो ऑफ रोस्ट गेमिंग 2.0। गाइस कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बीजीएमआई के अंदर जो न्यू अपडेट आया है 3.0 का, उसके अंदर काफी सारे लोगों को ये वाला इशू देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यानी कि कनेक्शन टू सर्वर लॉस्ट वाला इशू देखने को मिल रहा है। और भाई ये इशू आज का ही नहीं है, ये बहुत कॉमन इशू है, हर अपडेट के साथ बहुत सारे लोगों के डिवाइसेस में आ जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आज तुम्हारे सामने मैं फिक्स करके तुमको बता दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल तीन मेथड्स बताऊंगा और तीनों मेथड्स में से किसी एक ना एक मेथड से 100% तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो फिक्स हो जाएगा। और इसकी गारंटी खुद मैं लिख करके देता हूँ, मैंने आज तक 10,000 से ज्यादा लोगों का फिक्स करवाया है। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो तुम जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हो, हर अपडेट के साथ ये वीडियो आती है, 10,000 से ज्यादा लोग देखते हैं और सबका फिक्स भी हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सीधा बढ़ लेते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से कर लो, और भाई लाइक तो कर ही देना अगर फिक्स हो जाता है तो, ठीक है। तो सीधा बढ़ लेते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अपने फोन के स्क्रीन पे चले आते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखो आपको सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करना है। जो भी आपका मतलब सिम कार्ड है उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम होगा, वहां पे एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है। अब भाई एपीएन के अंदर आप आ जाओगे, अब आपको सिंपली इंटरनेट वाले पे क्लिक करना है, जो भी आपका सिम कार्ड हो, नो मैटर, ठीक है। भाई आपको कोई भी सेटिंग छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सबसे नीचे चले आना है, ठीक है। और सबसे नीचे में देख लो एपीएन प्रोटोकॉल को IPv4 करना है और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल को IPv6 करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। बस तुमको इतना काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन 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 ध्यान से सुन लो, इतना करने के बाद तुमको फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। नोट दैट, फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो ऑफ हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुमको रीस्टार्ट कर लेना है। तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो 99% चांसेस है कि फिक्स हो जाए, 99.99% चांसेस है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी रेयर केस में नहीं होता है फिक्स तो तुमको फिर से एपीएन में जाना है और जो तुम्हारा पुराना पिछला सेटिंग्स था IPv6 होगा या जो भी होगा, वहां पे उस जगह पे जहाँ पे दो चेंजेस किए ना, वहां पे जैसे पहले था वैसे कर लेना। और अगर वैसे करने नहीं आ रहा है तो रीसेट का ऑप्शन वहीं पे होता है एपीएन में, तुम जैसा देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, वैसे ही तुमको रीसेट वाले पे क्लिक करना है, तुम्हारा फिर से जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, ठीक है। पहले जैसा था वैसा कर लेना, ध्यान से सुन लो, जैसा पहले था वैसा कर लेना अगर नहीं हो रहा है तुम्हारा ये प्रॉब्लम फिक्स तो, ठीक है। काफी सारे लोगों के डिवाइसेस में तो हो जाता है, बट कुछ लोगों के डिवाइसेस में ऐसा करने से नेट ही नहीं खुलता है। तो भाई तुम एक बार रीसेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा पहले जैसा हो जाएगा सेटिंग। और अब तुमको क्या करना है ना, तुमको जब रीसेट कर लोगे, ध्यान से सुनो गाइस, तो तुमको प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है, ठीक है। चलो मैं तुमको करके ही दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है तुमको, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर खोल चुका हूँ सिंपली। और भाई प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली तुमको यहाँ पे वेट कर लेना है, प्ले स्टोर लोड हो जाने देना है और सर्च करना गाइस यहाँ पे सिंपली इंडिया VPN, ठीक है। इंडिया का कोई सा भी VPN, इंडिया का कोई सा भी VPN तुम डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। बट नोट डैट कि तुम इंडिया के VPN में इंडिया के सर्वर से ही कनेक्ट हो ना, ठीक है। अब भाई मैं क्या बोल रहा हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन देखो VPN इंडिया आ गया, इंडिया VPN आ गया, बहुत सारे VPN आ गए। इंडिया के सर्वर से कनेक्ट होकर जब तुम गेम खेलोगे तुम्हारी पिंग भी नॉर्मल रहेगी और तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। बट नोट डैट गाइज, अगर अगर इनकेस तुम यहाँ पे इंडिया VPN के अलावा कोई सा भी VPN यूज करते हो, कोई सा भी VPN यूज करते हो, तो भाई तुम्हारी ID 99% चांसेस है बैन हो जाएगी। तो हमेशा कोई भी VPN यूज करो, उसमें इंडिया का सर्वर जरूर से कनेक्ट कर लेना, अदरवाइज भाई तुम्हारी ID का चांस तुम ही जानो, ठीक है। और भाई ये दूसरा मेथड था VPN यूज करना, और भाई ये काफी रिस्की मेथड है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो भाई इसके जगह पे तुम क्या कर सकते हो, तो देखो अब दो जो लास्ट मेथड है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहला मेथड तो ये भाई कि तुम अपने सिम का स्लॉट चेंज कर लो, ठीक है। सिम कार्ड जैसे स्लॉट 1 में डाल रखा है तो सिम कार्ड को स्लॉट 2 में कर लो और फिर ट्राई करो, या फिर कस्टमर केयर को कॉल करो, ठीक है। कस्टमर केयर को कॉल करो और बताओ कि जब हम लोग कोई भी ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग को कनेक्शन सर्वर का इश्यू आ रहा है, ठीक है। BGMI का नाम पर्सनली लेके नहीं बोलना है, तुमको बोलना है जब हम लोग ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा कनेक्शन सर्वर का इश्यू आ रहा है, तो वो खुद ही बता देंगे सॉल्यूशन या फिर अपने साइड से वो सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो एट द एंड तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, या तो अपने भाई के, बंधु के, किसी के भी फोन में अपना सिम डाल के उसके हॉटस्पॉट से खेल लो, उसका हॉटस्पॉट लेके खेल लो, वरना सिम कार्ड चेंज कर लो। ये लास्ट वाला ऑप्शन है, लेकिन भाई डेफिनेटली इस वाले ऑप्शन पे पहुंचने के लिए 1000 में से भी शायद एक ही बंदे को जरूरत पड़े, अदरवाइज बाकी जितने भी बंदे उनका मेरे पहले ही मेथड से फिक्स हो जाएगा। तो भाई डेफिनेटली जाओ
ट्राई करो और फिक्स हो जाए तो डेफिनेटली कमेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, उल्टा बोल रहा हूँ ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ठीक है। और मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होपफुली गाइस एग्जाम बाद आएगी मेरी, मेरी जेई मेंस की एग्जाम है, 31st को मेरा एग्जाम का डेट है, तो सबको मुझे बेस्ट ऑफ लक लिख दो यार कॉमेंट्स में ठीक है। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेव नारा।